मैंने अल जवार होटल के ओनर अख्तर भाई से बात की और मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ का खाना पसंद है। आप भी कहीं तो डाइन आउट के लिए जाते होंगे, कहीं तो आपको भी कोई चीज़ पसंद होगी कि मुझे फला रेस्टोरेंट की फला चीज़ बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक नाम लिया कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वो अल कुरैशीज़ है, जी के पार्ट टू में। डॉन बॉस्को स्कूल मेरे पीछे है और मेरे आँखों के सामने है अल कुरैशी। तो मैं आज कैमरा लेकर आ गया अल कुरैशीज़ पर, लेकिन यहाँ आते वक्त मैंने अख्तर भाई को एक फ़ोन किया। मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि आप आज मेरे साथ अल कुरैशीज़ चलें और मेरे साथ खाना खाएं और मेरे साथ रिव्यू करें। वो इस मिजाज के आदमी हैं कि वो ना नहीं करते, मेरे साथ हैं। तो आज शाम हम अख्तर भाई के साथ अल कुरैशीज़ पर आ गए, इन्हीं के साथ खाएंगे, इन्हीं के साथ रिव्यू करेंगे। आइए अख्तर भाई से मिलते हैं। अख्तर भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे एक रैंडम से इन्विटेशन पर आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। एक साइड अख्तर भाई बैठे हैं, दूसरी साइड समी भाई मौजूद हैं जो अल कुरैशीज़ के ओनर हैं। मैंने इनसे दो तीन दिन पहले टाइम लिया था, इन्होंने मुझे आज का टाइम दिया, थैंक यू इनके टाइम देने का। और आज एक साइड एक शहनशाह बैठा है खानों दूसरे साइड दूसरे माइलस्टोन बैठे हुए हैं। तो आज की जो हमारी टेबल होगी वो सिर्फ खाना ही उसके ऊपर एक मयारी नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर जो लोग होंगे मेरे साथ वो भी बहुत मयारी होंगे। अख्तर भाई को यहाँ का सबसे ज़्यादा सीख कबाब पसंद है, मटन सीख, वो भी खाएंगे। और अब आज सारे खाने को अख्तर भाई की निगाह से देखेंगे, साथ रहिएगा। तो समी भाई ये वो दुकान है जो आपकी पहले से मौजूद, देख ले एक नज़र अंदर। आई आई इस दुकान के होने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, जो लगभग हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ कि अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का सही एज का मटन ज़रूरी है। आपको कितना अर्सा हो गया इस दुकान में? मेरे इस दुकान में 23 साल हो, मतलब एज का एक हिस्सा होता है 23 साल। जो रेस्टोरेंट है वो कब? वो हो गए मुझे 15 साल यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाते हुए। मटन की एज के लिए एक अंदाजे के लिए आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि ये जो शोल्डर है इससे ही पता लगता है कि किस एज का मटन। ये उठा कर दिखा दीजिए, अगर आपने मेरा वो जवार वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर जो गोश्त रखा हुआ है बिल्कुल इसी रंगत का इसी साइज का। तो ये एक स्टैंडर्ड है जवार वाले जो हमारे साथ आए हुए हैं अख्तर भाई, वो भी बरादरी से कुरैशी हैं, समी भाई भी कुरैशी हैं। ये वो लोग हैं जो गोश्त की रगों को जानते हैं, ये वो जानते हैं कि किस किस्म का गोश्त काटना है जो पकने के बाद क्या रिजल्ट देगा। आइए ऊपर चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। कितने साल पुराने हम? 30 साल पुराने। साउथ एक्स के दोस्त हैं। परफेक्ट फूड, परफेक्ट फूड, थैंक यू, परफेक्ट फूड। सही टाइम पे आया, चाहने वाले हम बचपन से हैं। पर एक पूरा रेस्टोरेंट है, अंदर आने के बाद मुझे खुद पे हैरत हो रही है कि मैं आज से पहले यहाँ कभी क्यों नहीं आया। और एक अंदाज है, एक माहौल है, एक खूबसूरती है, एक सुकून है, एक पाकीजगी है, जायका तो होगा ही। आइए एक बार माहौल देखते हैं। फ्लोर पे इनका किचन है, इधर इनका सारा ये ड्राई आइटम रखा हुआ है रेडी होके हाफ डन। शाम को ये लोग इसको मैरिनेट करके शाम से इसको लगाकर इकट्ठा करके रख देते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे। सर भाई आइए भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कस्टमर्स बहुत कहते हैं जी सर्विस लेट हो रही है, लेट हो रही है, हम ये आपको खाना खिलाने के लिए सुबह 4 बजे से मेहनत करते हैं और ये हाफ डन करके रखते हैं। ये बात, अगर हम उसे फुल डन कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कस्टमर से कहता हूँ जो स्नैक्स आइटम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है भाई, ताज़ा भी खिलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है, यही बात है। इसलिए हमेशा जो ड्राई आइटम जो ग्रिल की आइटम्स होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं हर रेस्टोरेंट में। ये हमारा टंगड़ी कबाब है, ये पनीर टिक्का है,
ये सोया टिक्का सोया चाप और ये जो है फिश टिक्का है, ये मटन बर्रा। अच्छा, जो मैंने मटन बर्रा में आप कौन से पार्ट का गोश्त लगाते हैं? मटन बर्रे में चाँप और फुट। चाँप और फुट सिर्फ क्या है पहले से? जी ये शाम से ही मैरिनेट करके रखते हैं। मैरिनेशन तो मेरे ख्याल में और पहले से हो रही होती है। जी, ये मटन कीमा है। अब ये मटन कीमा है, अब इससे ज़्यादा साफ़ कीमा मुझे नहीं लगता किसी कबाब वालों के आपको मिलेगा। देखिए ये चीज़ होती है जब मीट सप्लाईज आपकी अपनी हो, उस पर आपका कंट्रोल हो तभी। जी कुछ ऑर्डर्स नीचे जा रहे हैं, बाकी बहुत सारा कुछ एक्शन यहाँ पर इस टाइम रिकॉर्ड करने को है। यहाँ पे अभी जब गेस्ट आने शुरू होंगे तो उसकी तैयारी चल रही है। मैरिनेशन दोपहर से हो जाती है, लेकिन आपको ताज़ा सर्व करने के लिए इसको ग्रिल हैंड टू हैंड किया जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इधर पैकिंग चल रही है, कुछ पैकिंग के आइटम्स जो ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पैक हो रहे हैं, और इस साइड ग्रेवी की आइटम्स बन रही हैं। मैं मतलब इतना कुछ है चारों तरफ, और इस साइड ये रुमाली रोटियाँ बन रही हैं। स्पेस अगर हो आपके पास तो काम अच्छा होता है। इतना बड़ा किचन है कि खुल के काम हो रहा है, और यही चीज़ अच्छी है। तंग जगह में थोड़ी सी काम में प्रॉब्लम्स होती हैं, नीचे से मीट आ जाता है, ऊपर तैयार हो जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे सर्व हो जाता है, सब कुछ अंडर वन रूफ चल रहा है। नियत अच्छी होनी चाहिए, खाने में ज़ायका आ जाता है। गोश्त का काम और खाने का काम अच्छी नियत से ही ज़ायका देता है, और मैं कोई सीन नहीं छोड़ूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हर जगह यहाँ पर हर वक्त एक्शन हो रहा है। ये इन्होंने सील कर दिया है, ये पैक हो गया है अभी। मेरे ख्याल में ये अफगानी चिकन। और इधर ये तंदूरी रोटियां, नान वगैरह लग रहे हैं। अलग अलग रंग के पेड़े रखे हुए हैं, मेरे ख्याल में एक नॉर्मल नान होगा, एक मतलब लच्छे पराठे का जो पेड़ा है वो अपने अंदर ऐसा लग रहा है जैसे किसी डाई से बना कर रखा हो। बनाना एक आर्ट है, ये बात तो तय है। पराठे की स्पायरल ने और उसके बैलेंस ने आपको ये बात साबित कर दी होगी। यहाँ रोज बन रहे हैं और यहाँ पर पैकिंग चल रही है। काफ़ी देर से हम इस किचन में अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर इस सेंस में कि इतने ज़बरदस्त खाने सामने बन रहे हैं लेकिन हम खा नहीं रहे। तो अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, अख्तर भाई की पसंद पकड़ते हैं और ऑर्डर करते हैं। हैवी फ्रेम है, दो समझ लीजिए कि किंग ऑफ मुगलाई बैठे हैं, तो इस हैवी से वीडियो में आप भी साथ रहिएगा। अच्छा जी, किचन का थोड़ा सा आपने एक ओवरव्यू लिया, तो अभी यहाँ पे रश का टाइम शुरू होने वाला है। अख्तर भाई क्या क्या मंगाएंगे आज हम? आपकी पसंद से होगा। मेरी पसंद तो नंबर वन दिल्ली में मुझे अगर अच्छे लगते हैं तो कबाब, सीख कबाब यहाँ के अच्छे लगते हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ा एक एंडोर्समेंट है यहाँ के सीख कबाब के और लिए। एक मटन बर्रा भी टेस्ट कराएंगे। तो मटन बर्रा इधर से आया, सीख कबाब इधर से आया, तो अब मिक्स करके हम कुछ ऑर्डर करते हैं और उसके बाद खाते हैं जिसके लिए आए। स्टार्टर्स आ गए, सारे सामान का वेट करने से बेहतर ये है कि हम इसको गरम गरम खा लें। समी भाई ये बताएं कि ये तो आपका बर्रा हो गया। जी हाँ जी। और ये आपका आ गया, ये चिकन टिक्का, ये मटन सीख कबाब। मटन सीख जो है वो आज हमारी कसौटी है। अख्तर भाई साथ बैठे हुए हैं, यही टेस्ट करेंगे और मैं इनके पीछे पीछे टेस्ट करूंगा, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर प्लीज़ आप शुरू कीजिए। देखिए यही है भाई, आप आज बैठे हैं असली कुरैशी कबाब पे। तो भाई अब खाने को वेट नहीं कराना चाहिए, बिस्मिल्लाह। समी भाई आप भी प्लीज़ लीजिए ना, वो बाकी ज़बान बताएगी। भाई अख्तर भाई ने आज मेरा जुमला बोल दिया, बाकी ज़बान बताएगी। तो ये लचकीला सा कबाब है, जूसी है, अपेरेंस काफ़ी ठीक ठाक है। भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप कभी भी सीख कबाब खाएंगे नहीं? हाँ बताइए। तो बिल्कुल आपको प्लेन सा मिलेगा। हाँ, इनके सीख कबाब में आप ये देखिए मसाले कितने खिल के ऊपर। हाँ, मैं अभी वही देख रहा था। हाँ, कि एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एक एक चीज़ नज़र आ रही है। और आप कहीं और खाएंगे तो आपको देखेंगे बिल्कुल हाथ से प्लेन हुआ हुआ, चिकना सा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि मसालों को
मिलाने की। हालांकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा सीक्रेट कोई नहीं होता। आप बताइए ये भाई आप मेरी पसंद से सहमत हैं? बहुत ही माइल्ड है, चीखते पुकारते मसाले नहीं है इसमें। जो टेस्ट ज्यादा निकल के आएगा प्याज और हरी मिर्च का टेस्ट निकल के। हाँ, सही कह रहे हैं। मसाले हल्के हैं, मसालों की खुशबू है लेकिन हल्की है, मिर्चें हल्की है, एक 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 समझ लीजिए कि स्मूथ सा, एक एक मासूम सा, एक कहना चाहिए कि अग्रेसिव नहीं है, बहुत बहुत ही सटल सा टेस्ट है। और समी भाई साथ में हमारे खा रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं, ये इस कबाब के मज़े को बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच समी भाई। सही है। अच्छा बाकी चीज़ें भी जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि ठंडा हो गया तो बेकार हो जाएगा। सर बरा ले अगली आइटम। बरा वेल गुड। अच्छा इनके यहाँ बर्रा में चाँप भी लगी हुई है और पुट भी लगी हुई है, यही दो चीज़ें ज़्यादातर बर्रा में लगती हैं। मटन बर्रा के बारे में दो तीन एक्सपेक्टेशंस मैं आपको पहले बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेंडर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, गला हुआ होना चाहिए। ये गला हुआ नहीं हो तो थोड़ा सा मुझे ऑफ कर देता है, बाकी लोग पसंद करते हैं हल्का सा खिंचता हुआ भी, लेकिन वाह भाई बहुत आराम से टूट गया, गला हुआ है। सर यही गोश्त की क्वालिटी है, ज़बरदस्त। देखिए मटन बर्रा पूरी दिल्ली में मिलता है लेकिन कुछ तो खास बात हमारे इस मसाले में और गोश्त में होनी चाहिए जो लोग हर जगह से छोड़ के हमारे पास। हाँ वही मैं कल भी कह रहा था अपने लास्ट वीडियो में कि जब तक आप कुछ यूनिक टेस्ट पैदा नहीं करेंगे तो बर्रा हर जगह मिलता है। आपके पास आपका बर्रा खाने जब ही आएंगे जब थोड़ा सा ट्विक किया हुआ होगा मसाले को। बहुत अच्छा है ये, इस चटनी की ज़रूरत पड़ नहीं रही है और यही होना भी चाहिए कि ये डिशेस अपने अंदर ही इतनी कंप्लीट होनी चाहिए कि चटनी अचार ये सब चीज़ें तो संभाले हैं। बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये कि नरम है, बड़ा नरम नहीं होता, खींचना पड़ता है, मुझे अच्छा लगा। स्मोकी है अच्छा, यहाँ तक के थोड़ा सा क्रिस्पी भी है, हल्का सा क्रिस्प आ रहा है इसके अंदर। तो गोश्त की क्वालिटी यहाँ आपको आकर पता लगती है कि आपने क्या गोश्त लगाया था और क्या आप सर्व कर रहे हैं। यहाँ पता लगता है कि आप अगर अच्छा गोश्त लेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ कि अच्छा गोश्त होना चाहिए। सही है जी, तो पढ़ें आगे। ये आपने बताया चिकन टिक्का, तो चिकन टिक्का की बिस्मिल्लाह हम सर से करेंगे। सर आप लीजिए प्लीज़। चिकन टिक्का भी काफ़ी नरम लग रहा है। बाकी अख्तर भाई वाली बात जो आज अख्तर भाई ने मुझसे छीन ली कि ज़बान बताएगी। अच्छा भाई ये ऑलरेडी पहले से टूटी हुई हैं बोटियाँ अंदर तक मसाले की वजह से? मसाले के अंदर मैरिनेटेड। सुंदर सा फ्लेवर है ना जी, एक हल्की सी आपको स्मोकी फील आ रही है, हल्का सा कोयला भी महसूस हो रहा है, हल्का सा जो इसका मामूली से कड़वापन होता है। हाँ जो स्मोकी फ्लेवर एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैं लव्स नहीं ढूंढ पा रहा था जी, हल्की सी कड़वाहट खूबसूरती के अंदर वो इसमें। ये लेग पीस का बनाया हुआ है आपने? ये थाई का है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ऑब्वियसली सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन मैं इसका एक पीस और लूँगा भाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और ऐसा हो रहा है जैसे फ्लफ़ी अंदर तक इसके जैसे हवा भरी हुई हो। ये देखिए मैंने अभी इसको प्लेट में से उठाया ये और ये पूरी तरह से सॉफ्ट है और फूल की तरह खिला हुआ है, ख़ास बात यही है, ज़बरदस्त है भाई। यही तो वजह है जैसे हम कोरमा किंग हैं ये स्नैक्स किंग है। अरे वाह, कुरैशी जो कबाब और बर्रा और टिक्का आइटम है किंग है, वाकई में बहुत अच्छा है। मेन कोर्स आ गया है, स्टार्टर्स से हम फारिग हो गए थे मेन कोर्स के अंदर। सभी भाई मुझे बताएंगे सर ये क्या है? ये तवा चुका है।
तवा चिकन तो काफ़ी मुख्तलिफ सा लग रहा है, ये बोनलेस है? जी हाँ ये बोनलेस है। और ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर चिकन। मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको भी आपने पहले ग्रिल किया है चिकन को? हाँ। है ना, ग्रिल करके फिर डाला। सही है। फाइल जो है इन दोनों लोगों की, ये बहुत, बस समझ लीजिए कि मैं कितनी बार ये बात कहूँ कि ये मुगलई के किंग्स बैठे हुए हैं और इनके साथ आज हमारे चैनल पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सर प्लीज़ शुरू कीजिए। सर ये आप बटर नान से खाइए। हाँ बहुत आपको मज़ा आएगा इससे। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये है इनका तवा चिकन, एक बार ये ट्राई करते हैं उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे, जो ब्लैक पेपर चिकन है। बड़ा ही महीन सा नान है, ऐसा ही इसको होना चाहिए, काजी लग रहा है भाई। मेरे ख्याल में थाई के पीसेज हैं जी भाई। तो ये इन्होंने पहले रोस्ट किए हैं, उसके बाद इसको तवे पे प्रोसेस किया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। समी भाई पहले इसको रोस्ट किया है? पहले रोस्ट किया, उसके बाद तवे पे इसको, इसको तवे पे ग्रेवी के साथ। तो ये एक भरपूर सा निवाला तवा चिकन का, देखते हैं। एक लोज में बताऊँगा, रिच, बहुत रिच फ्लेवर है, माइल्ड है, मसाले किसी भी तरह से आपको तंग नहीं कर रहे, खुशगवार मसाले हैं, एक हर चीज़ एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हुई हुई है, जलप हुई हुई है, और आखिर में निकल के एक पुख्ता सा जायका आ रहा है जिसको यहाँ तवा चिकन कहा जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई कुछ क्रीम पड़ी हुई है इसमें? क्रीम है, मक्खन है, क्रीम है, मुझे लग रहा था कि कुछ क्रीमी सा भी है। भाई सर आप प्लीज़ बताइए ना। सर मैं आपको ये बता दूं, मुझे माशाल्लाह यहाँ की सब चीज़ें पसंद हैं, सब चीज़ें पसंद हैं। असल में इसकी सिमिलरिटी थोड़ी चंगेजी जैसी है, और उसका जो मक्खन और क्रीम उसका टेस्ट बदलता है। हाँ, जो इनकी खासियत है। हाँ, चंगेजी की ग्रेवी को उन्होंने अपने स्टाइल से तैयार करा है। हाँ, ये एक खूबसूरत मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये जो क्रीम है इसको बहुत खूबसूरत सा एक क्रीमी ड्राई बैलेंस, एक बैलेंस मक्खन और क्रीम का बैलेंस। अच्छा ये जो खाने की रेसिपीज हैं ये कौन देखता है? ये हम खुद देखते हैं। आप ही देखते हैं? टोमेटो ग्रेवी है जिस तरह चंगेजी की ग्रेवी बनती है, बस कुछ एक अपना अलग डालने का स्टाइल होता है जो चंगेजी उसको अलग कर रहा है। मगर क्रीम और बटर के अलावा भी कोई चीज़ उसको अलग ड्राइव दे रही है। मसाले थोड़े से ट्विक किए आप अलग? हाँ चंगेजी नहीं कहते? नहीं चंगेजी जो टमाटर ही होता है, सिर्फ टमाटर, उसमें दही, टमाटर, प्याज, हर चीज़ का बैलेंस, रिचनेस है, काफ़ी रिचनेस है। और बहरहाल अगर मैं इसको खाता रहूँगा तो ये छोड़ नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये ब्लैक पेपर चिकन भी एक बार टेस्ट करना है, तो एक एक निवाला ही लेंगे। अच्छा वैसे तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, लेकिन इस वक्त फिर मैं बता दूँ कि बचा हुआ खाना वेस्ट नहीं किया जाता, स्टाफ को दे दिया जाता है या फिर पैक करके किसी और ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है, वेस्ट नहीं होता। सर मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मज़ा ले रहा हूँ अपने तवा चिकन का। मैं अगर उसके मज़े में रुकूंगा तो रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। सर प्लीज़ इजाज़त है? बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये बड़ी एक अलग सी रंगत, अलग सी प्रेजेंटेशन, अलग सी ग्रेवी, अलग सा टेक्सचर, बाकी बाकी जबान बताए, जबान बताए। ये जो लागत है जो आप खा रहे हैं, ये हर कोई नहीं लगा सकता, और शायद यही चीज़ें कुरैशी की तरफ आप लोगों को खींचती हैं। मिर्च तो है नहीं सर, हल्की फुल्की काली मिर्च डाली हुई है आपने। और ये जो ग्रेवी है इसका बेस क्या है? क्रीम, क्रीम है, काजू है और दूध है, वो चीज़ महसूस हो रही है। कश्मीर में हमने एक चीज़ खाई थी, गोश्तावा, दूध में ग्रेवी बनती है उसकी, आपको उसका इल्म होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दूध में ग्रेवी बनती है लेकिन वो बहुत पतली होती है, ये बहुत पतली होती है, थोड़ी ठीक है, थोड़ा सा उसकी याद दिलाई इसने मुझे, लेकिन ये उससे बहुत डिफरेंट है, और इससे तो खैर ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क है। ओवरऑल ट्राई करने लायक है, लेकिन मुझे जो मैं अगर नंबर वन दूंगा तो ये तवा चिकन। भाई तवा चिकन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, और ये भी अच्छा है, लेकिन ये क्योंकि हम पुरानी दिल्ली के ठहरे, मसालों के बने हुए हैं, तो हमें हल्के मसाले ज़रा कम ही भाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको डिफरेंट कुछ खाना है तो उसके लिए बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। भाई मैं आपको यहाँ लेके आया अपने पसंद के रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या लगा? देखिए पहली बात तो ये कि मैंने जब करीम और जवाहर किया था, उन दोनों वीडियोस में मैंने इस बात को मेंशन किया था
कि ये दो वो नाम है कि जिसको मैं रिव्यू करने के लायक अभी नहीं हूँ, ये बहुत बड़े नाम हैं। तो जब इन्होंने किसी चीज़ को, किसी रेस्टोरेंट को एंडोर्स किया हो तो वो भी कुछ ज़बरदस्त होगा। वो झलक यहाँ पूरी पूरी नज़र आई, मुझे उतने ही शौक से खाते हुए अख्तर भाई यहाँ नज़र आए। ये बड़े मस्त मौजी आदमी हैं, जो इनको पसंद नहीं होता ये साफ बता देते हैं। इनकी पसंद की रेस्टोरेंट है, इनकी पसंद की आइटम्स हमने टेस्ट करी, वाकई में बहुत अच्छी थी। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया। सबसे ज़्यादा अहम ये था कि अख्तर भाई ने, मैं फिर कहूँगा कि रैंडमली मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने उसको फ़ौरन कबूल कर लिया। समी भाई से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, एक खामोशी से एक इतना बड़ा एक बारौनक मामला कब हो गया पता नहीं चला, वक्त गुजरते पता नहीं लगता, साल गुजर जाते हैं, लम्हा लगता है। चंद साल पहले ये एक गोश्त की दुकान से शुरू हुआ और आज ये बाहर यहाँ पर आ रही है, तो इसके पीछे तजर्बा, ईमानदारी, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ शामिल होता है। वैल्यूज़ कभी पुरानी नहीं होती, सच्चाई हमेशा सच्ची रहती है और झूठ हमेशा झूठ। जब इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा था तो ये पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था, और जब हम ऊपर से रिव्यू करके वापस उतरे तो देखा यहाँ एक अलग ही बहार थी। मुझे नहीं मालूम था कि दिल्ली के अंदर एक ये रेस्टोरेंट भी है। भला हो अख्तर भाई का, उन्होंने मुझे वक्त दिया, उनका भी शुक्रिया। कुरैशीज़ के ओनर समी भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे वक्त दिया, इजाज़त दी और मैंने यहाँ पर कैमरा खोला। काम खाने दिखाने का हो या खाना खिलाने का, ईमानदारी जरूरी है। बेटा है आपका? जी जी जी। बेटी भी है, शादी कर ली। अरे क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छे हो। आपकी जो शक्ल है, हमारे वाले साहब के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद साहब, उनसे बहुत। मेरा नाम अभिषेक यादव। अभिषेक जी कहाँ रहते हैं सर? सर मैं वैसे दुबई रहता हूँ भाई, यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ खाने के लिए आते हैं हम लोग दिल्ली। अभिषेक जी से मुलाकात हुई, पता लगा कि दुबई में कुछ ना कुछ खाने के काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुरैशीज़ पर बैठे हुए हैं। बात ये चल रही थी भाई टेस्ट पैदा नहीं हो सकता, तो मैंने इनसे यही कहा कि आप यहाँ का पानी ले जाइए, यहाँ का माहौल ले जाइए, एक एयर बैग में यहाँ की हवा भर कर ले जाइए, तो शायद ये टेस्ट आ जाए। मसाले ले जाएंगे, कारीगर ले जाएंगे, लेकिन आबो हवा कैसे लेके जाएंगे? फैक्ट है। और जो वर्ल्ड सिटी है पुरानी दिल्ली, जो फसील बंद दिल्ली है, उससे आप जितना उसके रेडियस से दूर जाएंगे, यहाँ के टेस्ट की रूह आप छोड़ते चले जाएंगे। exactly. यहीं पर है। वो अग्री करते हैं। अभी आज हमारा लास्ट नाइट है, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने जवाहर जाए या कुरैशी जाए, वही आखिरी दिन बचा हुआ है। तो आप दोनों के साथ हैं इस टाइम, क्या बात है। बहुत गाढ़ी पंजाबी बोल रहे हैं, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही। मेरा मोहम्मद याहिया। मोहम्मद याहिया बहुत दिल से मरते करते हैं। अभी आई थिंक ये यूपी में गए थे किसी मैरिज में, उसका वो दिखा। हाँ रामपुर गए थे वो। रामपुर की इन्होंने बटेर दिखाई थी। मैं तो भाई तुम इतने देख रहा सी, द मूवमेंट तुम पिक लै रहे सी। मैं क्या यार साढ़े भाजी तो साढ़ा मुंडा तो बहुत फॉलो करता है। अरे अरे थैंक यू। आई जस्ट कुड कैच यू एंड आई बॉदर्ड यू। अरे नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नो नो नो, बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, के लोग प्यार देते हैं तो हम बूस्ट हो जाते हैं सर। बस मैं तुम्हें एक गल दस दिया भाजी जी, प्लीज। एक्चुअल साढ़े इंडिया च जो डाइनिंग का कल्चर है ना, वो बहुत ही तहजीब वाला है। एक्चुअल क्या होता है सर, देखो खाना जब आदमी खाता है ना, कोई तो किसी की मुंह से तारीफ करता है। खाने का तरीका निवाला एक लेके उसको बताने का तरीका, हर कोई कहता है सुपर हिट, बट इनकी मैंने उस केस में नहीं देखा। लॉट ऑफ मैरिज ऑल्सो, मतलब हर जगह जाते हैं, मतलब उस चीज़ की। इन्होंने उसमें कहा था कि मेरे को एक, उसने एक, उन्होंने एक चिकन खिलाया था, एक बटर खिलाया था, फिश। इन्होंने कहा मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद आई। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा नहीं, फरीदाबाद रहना, हिमाचल का रहने वाला है, नंबर लो तो ही नोट कर लेना। लव यू एंड ऑल द बेस्ट टू द ब्लॉगर्स, यू नो, हु आर कनेक्टिंग फूड हर्ट एंड माइंड। अरे वाह, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत सी टेबल पे मुझे नहीं अंदाजा था कि यहाँ पर संजीव जी और शर्मा जी बैठे होंगे। इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनका प्यार है। अल कुरैशी से आज का वीडियो हमारा यहाँ एंड होता है। खाने बहुत अच्छे थे, इसी प्यार मोहब्बत के साथ और इसी दुआ के साथ कि ये मोहब्बत है हम 4 गुना और 8 गुना करते रहेंगे और हमारी अगली नस्ल तक ट्रांसफर करेंगे। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मुझे जायके मिलते थे, अब जायकों के साथ मोहब्बतें भी मिल रही हैं। यूँ ही मोहब्बतें देते रहिए और मैं यूँ ही समेटता रहूँगा।